Assalamualaikum दोस्तों और कैसे आप रोटी ठंड एक शख्स को देखिए आप किस तरीके से जो है वो अल्लाह ताला के स्थान में गुस्खी कर रहा है हालाँकि वो मुसलमान का लेवल लगाया हुआ है माशा अच्छा खासा जो है इस्लामिक लिबास के अंदर है और उसी सोच को देखिए आप और किस तरह का उसका अकीदा है उसकीदे को देखिए आप किस तरह से जो है बयान कर रहा है उन बातों को जो सिर्फ किस्सा और कहानियाँ हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है और किस तरह से ये लोग जो इन सब चीज़ों को इन सब बातों को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कहाँ से लोग पढ़ के आता है कौन जो इन लोगों को पढ़ाता है किस मदरसे ये लोग पढ़ के निकलता है इस तरह का जो है अकीदा ले लेकर बीट देख लीजिए फिर हम बात करते हैं

और अल्लाह ताला के जो मुकाबले में किसी बंदे को जो है खड़ा कर रहा है अल्लाह ताला और जो बंदे में कोई फर्क नहीं हुई है तो नबी के स्थान में जो, जो किस तरह से जो है गुस्ताखी कर रहा है क्या कोई पौलिया क्रम जो नबी के बराबर हो सकता है अब और गोश पाक्रमल्ल् के ऊपर जो इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस सारे इस्लाम जो है अल्लाह ताला के नाम से मुर्दों को जिंदा कर देते मैं जो अपने नाम से ही ज़िंदा कर दूँगा और वो ज़िंदा करते हैं इस तरीके का जो है इल्ज़ाम और ये के ऊपर लगाना इतना ही वायाब चीज़ है कि आमद के दिनों को क्या असर होगा अल्लाह बेहतर जानता है तो आप जो इन सब चीज़ों से डरे क्योंकि अगर ये सब बातें जो बात की हकीकत में समझूटी है कौस का कम तला के ऊपर जिस तरह के सब इल्ज़ाम है कि आमद के दिन तो ये सब पकड़े जाएंगे उस दिन ये सब कौस प्या का मतलब तला जो है उन सबको पकड़ेंगे क्या मैं ही तुझे मिला था जो बोलने के लिए फिर समझ सकते हैं तो अंजाम जो है क्या होने वाला है इस तरीके इतने फसाद से जो है आप बचें और अपने आस पास के मुसलमानों को भी इस तरीके की बातों से उन्हें बचाएं कैसे ये लोग जो एक्सेप्ट कर लेता है सब चीज़ों को इन सब बातों को कैसे की तहिक दूसरों तक तो पहुँचाता है कि जिलानी जी रतल ते जो है वो अपने नाम से जो मुर्दे जिंदा करते थे अल्लाह के बंदो तोबा करो कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रकू है सतरवा पारा पहला सफा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये ये मोर्जे के मुर्दा जिंदा करते थे तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ फिर नबी मानेंगे तो अल्लाह तरमाया इनसे फरमा दो कि मुर्जा अल्लाह के पास है वो कोई मुआर इस किस्म का नहीं नबीस नबी कोई मुर्दाने नहीं कभी जिंदा किया हजरत ईसा का कुरान में जिक्र आता है क्योंकि उनका मोरजा वो था हमारे नबी का है जब अल्लाह के रसलम को यह सब मौजा जो अल्लाह त नहीं दिया तो मनमती को कैसे ही मिल सकता है मौजा के मतलब की अगर नबी मुजा कोई दिखा रहा है अगर उसके बाद मोजा देखने के बावजूद भी अगर कौम ने उस चीज़ पर एक नहीं किया फिर अजाब पिछले जो कौमें गुजरी हुई हैं उनके साथ यही सब सुलआ है कि नबी ने जब उनको मज़दा दिखाया और उन्होंने अपनी आँखों से देखा और फिर जब उन्होंने सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया फिर अल्लाह ताली ने उनके ऊपर अजाब को कोड़ा जो बरसाया लेकिन इस उम्मत पर जो है ऐसा नहीं हुआ है जो आसमान से जो कोई अजाब उतारा हो उसमें मुशरक़ों के ऊपर और सजाद मिला हो और उनको ख़त्म कर दिया हो ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मोजा को दिखा देते ना और फिर ये मुशरक़ लोग या फिर लोग जो है अगर एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को तो को ख़त्म कर दिया गया होता मगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सब बातें जो है नब्यूक इस्लाम में गुस्ताखी करना अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी ऐसे शख्स को लाकर खड़ा कर देना जो औलिया इक्राम है इतना बार तो एक इतना बड़ा जो है तोमत अलिया इक्राम के ऊपर लगाना है कि आमदन के दिन जो है पकड़े जाएंगे उनका ठिकाना जो है जो हो आखिर ये लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं ताकि खबरों पर लोग जो है जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इसी वजह से वो गुमराहि में ढकेले ये नहीं जानते अगर उनका ठिकाना जन्म हुआ तो फिर तुम्हारा भी ठिकाना जन्म ही होगा दोस्तों आप इस सब के बारे में क्या ख्याल रखते हैं ठीक है कमेंट करके कमें जरूर बताएं ताकि इस तरह के लोग जो है कहाँ से आते हैं कहाँ से तालीम लेकर आ जाते हैं इन लोगों का इस तरह के क्या जो है मन गलत कहानी कैसे एक्सेप्ट एकसे कर लेते हैं सब आखिर इन लोग कहाँ से पढ़ कर निकलते हैं ठीक है तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने आसपास ऐसे लोगों से जो है अपने कौन को अपने घर वालों को बत से जो है बचाएँ ठीक है दुनिया से तो जाएँगे ही दिन से भी आप दो बैठेंगे ठीक है मिलता नेक्स्ट में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़